तो भाई मोटरोला G42 आज करने वाले हैं इसका कैमरा टेस्ट, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको जल्दी से इसके कैमरा स्पेक्स बता देता हूँ और उसके बाद सीधे बढ़ते हैं इमेजेस की ओर। तो कैमरा सेटअप के मामले में ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसके अंदर और क्वाड कैमरा फंक्शन है, यानी कि तीन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। अभी क्वाड फंक्शन यानी कि जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है वही यहाँ पे मैक्रो सेंसर का भी काम करता है, तो एक लेंस में दो काम यहाँ पे हो जाएंगे। सेल्फी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी आपको देखने मिल जाता है और बस यही बेसिक कैमरा स्पेसिफिकेशन है। सीधे बढ़ते हैं यहाँ पे इमेजेस की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहला इमेज जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वो है डायनेमिक रेंज टेस्ट करने के लिए। तो डायनेमिक रेंज जो है इस पर्टिकुलर डिवाइस से आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी, हालांकि जब आप फोटो खींच रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत ब्लोन आउट इमेज यहाँ पे लग सकता है, बट ओवरऑल जब आप पिक्चर क्लिक करोगे तो उसके बाद प्रोसेसिंग में जो है डायनेमिक रेंज यहाँ पे बैलेंस कर देता है। अब एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि अगर ये प्रोसेसिंग में अगर डायनेमिक रेंज ना अच्छे से बैलेंस कर रहा है तो अगर कोई शैडो वाला एरिया है वहां पे थोड़े बहुत नॉइज आपको देखने मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से इमेजेस को देखो तो, वरना ओवरऑल डायनेमिक रेंज वाइज मैं कह सकता हूं कि मोटोरोला G42 यहां पे डिसेंट सा निकल के आ जाता है। बात करते हैं इसके मेन कैमरा की। मेन कैमरा में आपको अच्छे खासे डिटेल्स यहां पे देखने मिल जाएंगे। स्किन जो है यहां पे अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो तो अच्छे खासी स्किन टोन भी आपको मिल जाएगी यहां पे। ओवरऑल डिटेल्स अच्छे हैं, कलर्स आपको इसके अंदर थोड़े से नेचुरल साइड देखने मिल जाएंगे, यानी कि ऐसा सैचुरेटेड या ओवर एक्सपोज्ड इमेज नहीं है, आपको सैचुरेशन लेवल इसमें नॉर्मल देखने मिल जाएगा। अगर क्लोज टू नेचुरल कलर्स आपको पसंद है तो वो आपको मेन कैमरा से यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ये सेम चीज हमने मोटोरोला G52 में भी देखा था, उसके भी जो पिक्चर्स है वो थोड़े से क्लोज टू नेचुरल होते थे। तो मेन कैमरा से यहाँ पे आपको अच्छे खासे इमेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करूं अगर मैं यहाँ पे अल्ट्रावाइड सेंसर की, तो अल्ट्रावाइड सेंसर में आपको डिटेलिंग्स इतनी अच्छी खासी नहीं मिलेगी, 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, बट डायनेमिक रेंज बैलेंस करने के चक्कर में कभी कभी शैडो एरियाज में यहाँ पे डार्क कर देता है। इमेजेस आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे स्काई को बैलेंस कर दिया है, वहीं पे अगर ट्रीज की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा डार्क एरिया वहाँ पे वहाँ पे डिटेलिंग जो है वो थोड़ी सी मिस आउट हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अल्ट्रावाइड सेंसर अगर आप खींच रहे हो तो डायनेमिक रेंज में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कभी कभी यहाँ पे करना पड़ सकता है, वरना कंपैरिजन में मेन कैमरा और अल्ट्रावाइड सेंसर में आप देख सकते हो कितना फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल रहा है दोनों कंपैरिजन में, दोनों इमेजेस अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो अच्छा खासा फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा। कलर शिफ्ट जो है हल्का सा यहाँ पे आपको नोटिस जरूर होगा, वरना ओवरऑल 8 मेगापिक्सल से भी आप डिसेंट सा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर बात करूं मैं यहाँ पे मैक्रो कैमरा की, तो यार मैक्रो कैमरा मुझे इस पर्टिकुलर डिवाइस का काफी अच्छा लगा है। आपको सब्जेक्ट से जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी से यहाँ पे इमेजेस क्लिक करने और आपको अच्छे खासे इमेजेस मिल जाएंगे। तो आपको यही पिक्चर क्लिक करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर फोकस में है या नहीं, वरना आप अच्छे खासे डिटेल्स मैक्रो शॉट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड की अगर मैं बात करूँ मेन कैमरा से, तो वो भी काफी अच्छा है यहाँ पे, कभी कभी अच्छी इमेज दे देता है, थोड़ी स्किन जो है सॉफ्ट जरूर कर देता है पोर्ट्रेट मोड में, वरना ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड का आउटपुट भी काफी अच्छा है। एक दो इमेजेस में मैंने नोटिस किया है कि बैकग्राउंड में जो एक्सपोजर है वो बैलेंस नहीं हुआ है, डायनेमिक रेंज वहाँ पे थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया है, ओवर एक्सपोज लगता है पिक्चर, वरना ओवरऑल अच्छे खासे लाइटिंग कंडीशन में अगर आप खींचते हो तो पोर्ट्रेट मोड में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एच डिटेक्शन भी काफी अच्छा सा देखने मिल जाएगा आपको यहाँ पे मोटोरोला G42 में। बात करूं बाकी चीजों की, तो ओवरऑल पीछे का जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है मैं कह सकता हूँ कि आप इस 13-14,000 के फोन के साथ डिसेंट से इमेजेस यहाँ पे काफी अच्छे इमेजेस मैं कह सकता हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे हल्का सा पता नहीं क्यों, बट ये मोटोरोला G52 से इसका कैमरा थोड़ा बहुत जरूर अच्छा लगा है। एक चीज और, इसमें आपको नाइट विजन का भी जो है सपोर्ट मिलता है। अभी हाँ, यहाँ पे आपको इतने अच्छे खासे इमेजेस नहीं मिलेंगे नाइट पे, पर जो भी इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं, यस जरूर ये कोशिश करता है यहाँ पे कि अच्छे खासा इमेज आउटपुट आपको निकाल के दे दे। नॉइस हालांकि आप नोटिस कर सकते हो हर इमेज के अंदर, बट डार्क रूम भी अगर होगा तो यस वहाँ पे वो कोशिश जरूर करता है कि जो सब्जेक्ट है उसे थोड़ा बहुत फोकस में रखे और अच्छी खासी डिटेलिंग्स वहाँ से भी निकाल पाए। बट इतना ओवर द टॉप नाइट विजन में नहीं कहूंगा, बट यस डिसेंट से इमेज आप नाइट विजन में भी इस पर्टिकुलर डिवाइस में खींच सकते हो। सेल्फी की अगर मैं बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी और सेल्फी से भी अच्छे खासे इमेजेस आपको मिल जाएंगे। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस में है तो इस डिवाइस से आपको अच्छे खासे इमेजेस मिल जाएंगे। अगर आप लाइटिंग कंडीशंस अच्छी नहीं है वहां पे कहीं पे अगर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो तो थोड़े बहुत नॉइज थोड़े बहुत ग्रीन्स आपको इमेजेस के अंदर देखने मिल जाएंगे। तो सेल्फी से भी आप अच्छी खासी इमेज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेलिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी, स्किन टोन अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे। पोर्ट्रेट मोड में भी सेल्फी जो है यहाँ पे अच्छे से काम करता है। ओवरऑल सेल्फी में ऐसा एज सच मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, बस यही है कि अगर आप प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस में पिक्चर्स क्लिक नहीं करते हो तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, आपको ग्रेन्स और नॉइज जो है पिक्चर्स में मिल जाएंगे, वरना ओवरऑल सेल्फी
डिसेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं वीडियो की, तो वीडियो जो है यार, आप इसमें फ्रंट एंड रियर कैमरा में 1080p एट 30fps शूट कर सकते हो। बैक कैमरा में आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट में ये ऑप्शन नहीं है। तो बात करूँ इसके मेन कैमरा की, मेन कैमरा भी यहाँ पे 1080p 30fps पे शूट करता है और अच्छे खासे आउटपुट आपको इसके अंदर भी देखने मिल जाएगी। स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन है, तो वीडियो जो है अच्छी खासी स्टेबल फुटेज आप इससे निकाल सकते हो। तो मोटोरोला G42 आपको यहाँ पे स्टेबल वीडियो के मामले में अच्छे खासा रिजल्ट दे देगा। बट एक यही चीज़ है कि 4K अगर आपको शूट करना पसंद है तो आप इस कैमरे की ओर बिल्कुल भी नहीं देख सकते, मोबाइल को स्किप कर सकते हो। बट आपको 1080p एट 30fps चल जाएगा, तो यार इसका कैमरा मुझे डिसेंट लगा यहाँ पे। तो बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं आपको। डुअल कैप्चर एक ऑप्शन मिलता है आपको, जिसमें आप फोटोज में भी यूज़ कर सकते हो और वीडियोज में भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो डुअल कैप्चर मोड में आपको बेसिकली फ्रंट एंड बैक कैमरा आप एट द टाइम यूज़ कर सकते हो। तो सेम चीज़ में सेम मोड में आप फोटोज भी खींच सकते हो और वीडियो भी निकाल सकते हो। स्पॉट कलर करके एक फीचर है इसके अंदर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप इसका यूज़ करके थोड़े से यूनिक वीडियोज यहाँ पे शूट कर सकते हो। एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर अगर आप स्पॉट करते हो और वीडियो शूट करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक थोड़ा सा अजीब सा इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा पूरे वीडियो के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज है, ट्राई करने वाली चीज है, आप कर सकते हो। बाकी मोड्स के मामले में और भी सारी चीजें, टाइम लैप्स है, यहाँ पे स्लो मोशन है। स्लो मोशन आप 720p के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक माइनस पॉइंट है, वरना स्लो मोशन का आउटपुट मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक है। यहाँ पे आप इतना सोशल मीडिया पे भी यूज नहीं कर पाओगे, तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। बस एक ऑप्शन के तौर पर आपको चाहिए तो स्लो मोशन का ऑप्शन है भाई, तो आप यूज कर सकते हो, वरना टाइम लैप्स आप अच्छा खासा शूट कर पाओगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा फाइनल ओपिनियन अगर मैं दूं मोटोरोला G42 के कैमरा के बारे में, तो मुझे पर्सनली मोटोरोला G42 का कैमरा यहाँ पे डिसेंट लगा है, अच्छा लगा है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा काम किया है मोटो ने। मेन सेंसर से आपको अच्छे खासे फुटेज मिल जाएंगे, पोर्ट्रेट कैमरा आपको अच्छा मिल जाएगा, स्किन सॉफ्टनिंग वहाँ पे डेफिनेटली है थोड़ा, बट आउटपुट काफी अच्छा है। नाइट विजन में कह सकता हूँ इतना रिलायबल नहीं है, बट एक ऑप्शन के तौर पर यार मैं इतना भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ नाइट विजन से। नाइट विजन के फोटोज भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। 1080p एट 30fps शूट करना है तो स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। सेल्फी से भी अच्छी वीडियो मिल जाएगी अगर लाइटिंग कंडीशंस अच्छी है, और सेल्फीज पिक्चर्स के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग कंडीशन के अंदर फोटोज अच्छे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे लिए तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मोटोरोला G42 को कैमरा के मामले में भाई डेफिनेटली यहाँ पे थम्स अप है। आप जरूर चेक कर सकते हो मोटोरोला G42 अगर आपके बकेट लिस्ट में है, या फिर आप एक ऑप्शन के तौर पे देख रहे हो इस पर्टिकुलर डिवाइस को। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई कैमरा इसका डिसेंट है, आप डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यार बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।